कम फ्रॉम द सेकेंड टॉपिक दैट इज फूड फ्रॉम एनिमल स्टार्ट करने वाले हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में फूड फ्रॉम प्लांट्स को पढ़ा था। हमने देखा था कि हमने कौन कौन से प्लांट के पार्ट को एज अ फूड यूज करते हैं, ठीक है। बट हमें अब यहाँ पे पढ़ना है कि कौन कौन से एनिमल प्रोडक्ट है जिसे हम फूड के रूप में यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो वो होता है मीट, ठीक है। तो कई सारे ऐसे एनिमल है जैसे गोट हो गए, जैसे चिकन हो गए, प्रॉन हो गए, फिश हो गए, जैसे पूरी दुनिया में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है एज अ फूड, ठीक है। तो मीट क्या होता है, फूड की तरह यूज किया जाता है और ये एक एनिमल प्रोडक्ट है। सेकेंड जो है वो एग है, ठीक है। कई सारे एनिमल के एग को एज अ फूड यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा हैन के एग को पसंद किया जाता है जो पूरी दुनिया में ईट किया जाता है। इसके अलावा डक के, गूस के, कई सारे एनिमल्स हैं जिनके एग को क्या किया जाता है, ईट किया जाता है। एनिमल्स के जो एग होते हैं वो काफी ज्यादा प्रोटीन और विटामिन के सोर्स होते हैं। मैंने यहाँ पे पी एंड वी लिख रखा है बिकॉज वो प्रोटीन एंड विटामिन के क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। अब जो थर्ड एनिमल का प्रोडक्ट है दैट इज मिल्क। आप सभी ने दूध पिया होगा, है ना, आप सभी को फोर्स किया जाता होगा मिल्क पीने के लिए। तो एनिमल का थर्ड नंबर का प्रोडक्ट कौन सा है, मिल्क, ठीक है। तो कई सारे एनिमल है, काउ, बफेलो, गोट, कैमल, याक, इन सभी के मिल्क को पिया जाता है। जो ऐसे ऐसे एरियाज होते हैं जैसे हॉट डेजर्ट हो गया, वहां पे कैमल के मिल्क को पिया जाता है। जो कोल्ड एरियाज हो गए वहां याक के मिल्क को पिया जाता है। तो मिल्क क्या होता है, प्रोटीन एंड कैल्शियम, सी स्टैंड फॉर कैल्शियम, का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, इसके अलावा हमारे नर्व की फंक्शनिंग को भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो मिल्क एनिमल प्रोडक्ट है। उसके बाद बात करते हैं हनी की। तो हनी बनता है किससे, नेक्टर से, फ्लावर्स के नेक्टर से, बट बनाता कौन है, बीज बनाती है। तो बीज क्या करती है, हनी नेक्टर को सक करती है फ्रॉम द फ्लावर और क्या करती है, उसको बी हाइव में लेके जाती है और वहां पे उसको किसमें कन्वर्ट कर देती है, हनी में कन्वर्ट कर देती है। अब हमें पढ़ना है कि मिल्क से कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिन्हें मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है, बिकॉज ये मिल्क से बन रहा है, मिल्क एक एनिमल प्रोडक्ट है। तो ये सारे भी किससे आएंगे, एनिमल प्रोडक्ट में आएंगे। सबसे पहले बात करनी है हमें पनीर के बारे में, ठीक है। तो पनीर लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो आपको ये पढ़ना है कि पनीर बनता कैसे। तो सबसे पहले आपको मिल्क को क्या करना पड़ता है, हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, मिल्क को गर्म करना होता है, दूध को गर्म करना होता है। फिर उसके बाद आपको उस गर्म करने के बाद गैस को ऑफ कर देना है और उस टाइम पे उस गर्म दूध में ही आपको क्या, लेमन जूस मींस नींबू का रस या फिर विनेगर को ऐड करना है, ठीक है। आप उसको स्टीयर करेंगे, चलाएंगे, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, मिल्क में कर्डलिंग हो जाएगी। कर्डलिंग का मतलब मिल्क दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा, मींस उसका लिक्विड वाला पार्ट वे सेपरेट हो जाएगा और उसका सॉलिड पार्ट अलग हो जाएगा। आप उसमें से वे लिक्विड वाले पार्ट को हटा देंगे और सॉलिड वाले पार्ट से आप क्या बना लेंगे, पनीर बना लेंगे, ठीक है। तो पनीर क्या है, एक एनिमल प्रोडक्ट है। जो सेकेंड एनिमल प्रोडक्ट है वो है चीज, ठीक है। इसमें भी हम पहले कर्डलिंग करते हैं, उसके बाद उसमें और प्रोसेसिंग की जाती है, सॉल्ट ऐड किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, जिससे क्या बनता है, चीज बनता है। तो चीज इज ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट। थर्ड जो नंबर है वो है क्रीम। जब आपकी मम्मा मिल्क को क्या करती है, हीट करती है, उसको उबालती है और उसको फिर रख देती है, तो आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर एक फैटी लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसे आप मलाई कहते हो, दैट इज क्रीम, ठीक है। तो फैटी लेयर ऑफ द मिल्क, ठीक है, इज कॉल्ड द क्रीम। आप उस क्रीम को क्या कर रहे हो, आप उस क्रीम को स्टीयर कर रहे हो, बहुत जोर से वेरियसली स्टीयर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसके ऊपर मक्खन उड़ जाएगा जिसे कहा जाता है बटर, ओके। जो मक्खन है दैट इज बटर, और बटर को अगर आप काफी देर तक हीट कर रहे हैं तो बटर में से घी और सॉलिड पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड पार्ट आप सेपरेट कर दीजिए, जो उसका लिक्विड वाला पार्ट है दैट इज घी। तो हमें मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, और जो यहाँ पे लास्ट में लिखा है दैट इज कर्ड। आप सभी को दही बहुत पसंद होगा, तो कर्ड बनता कैसे है, तो कर्ड बनाने के लिए आपको दूध को पहले गर्म करना होगा और क्या करना होगा, उसमें थोड़े से अमाउंट में जो आपने लास्ट टाइम जो भी आपके पास कर्ड था उसी को ऐड करना होगा, उसको अच्छे से स्टेयर कर देना होगा। तो आफ्टर 7 to 8 hours, 7 से 8 घंटे के बाद आपका जो कर्ड है वो रेडी हो जाएगा। मींस कर्ड कैसे बनता है, पुराने वाले कर्ड से, ठीक है। मींस जिसे आप जामुन या जाम कहते होंगे, मींस आपको क्या है, यहाँ पे कर्ड बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पुराने वाले
ग्रो कर जाते हैं। तो व्हाट आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऐसे टाइनी ऑर्गेनिज्म, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, वो क्या कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो मिल्क किससे बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। तो हमने पढ़ा कि एनिमल प्रोडक्ट जिनको हम फूड के रूप में यूज करते हैं वो क्या है, मीट है, एग है, मिल्क है, मिल्क के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड हनी है। ओके, यहाँ पे लास्ट में आपको लिखा हुआ है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। तो ये कौन थे, तो ये एक सोशल एंटरप्रेन्योर थे, ठीक है। इन्होंने ऑपरेशन फ्रूट स्टार्ट किया था, इसमें इन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में काफी बड़ा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिससे ये चाहते थे कि इंडिया जो है वो मिल्क के प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ा, उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बने। इसी वजह से इन्हें मिल्क मैन या फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता था, ठीक है।